टोनी देवी के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष एचपीसीए के अध्यक्ष अरुण धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम कर समारोह का उत्साह सातवें आसमान तक पहुंचा दिया। मुख्य अतिथि अरुण धूमल ने बच्चों उनके अभिभावकों को संबोधन के द्वारा मार्गदर्शन किया और उनके आने वाले उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। टोनी देवी के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष एचपीसीए के अध्यक्ष अरुण धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम कर समारोह का उत्सव सातवें आसमान तक पहुंचा दिया। मुख्य अतिथि अरुण धूमल ने बच्चों उनके अभिभावकों को संबोधन द्वारा मार्गदर्शन किया और उनके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में टोनी देवी शहरी इकाई जिला महिला मोर्चा बारी पंचायत के पदाधिकारियों ने अरुण धूमल को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश से मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री, भाजपा नेता विजय भंडारी, महामंत्री पवन शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमन चौहान, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, कोषाध्यक्ष तिलकराज बहल, पूर्व युवा जिला मोर्चा के अध्यक्ष सुजीत सिंह, बीडीसी चेयरमैन सुभाष ठाकुर, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हवेली लवली अनिल परमार, विजय बहल, सुनील चौहान, महिला मोर्चा की प्रधानमंत्री अर्चना चौहान, भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। से केवल एक बात करें कि बड़े होकर देश की सेवा कैसे करोगे, एक अच्छे सैनिक बनकर करोगे, एक अच्छे उद्योगपति बनके करोगे, एक अच्छे साइंटिस्ट बनके करोगे, और अगर ये भाव आपने उनमें पैदा कर दिया कि आपने देश की सेवा करनी है, चाहे अच्छा डॉक्टर बनके करे, अच्छा इंजीनियर बनके करे, अच्छा उद्योगपति बनकर करे, पुलिसकर्मी बनकर करे, सैनिक बनकर करे, तो मैं मानता हूं देश में जो भी समस्या है वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे इस भाव से पैदा बड़े होंगे कि मेरे को देश की सेवा करनी है। वो कभी वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, वो कभी उस काम चोरी में लिप्त नहीं होंगे। मैं मानता हूं अगर देश को आज आगे बढ़ाना है तो वो भाव बच्चों में पैदा करने की जरूरत है। नहीं तो भारत इस देश का, इस विश्व का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है भारत, और पूरे विश्व की नजरें आज भारत पर है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और भारत इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र में, इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक धारणा यह है कि लोकतंत्र तो हमें चाहिए लेकिन हमें राजनेता नहीं चाहिए। वी आर इमेजिनिंग ए डेमोक्रेसी विदाउट ए पॉलिटिशियन। लोकतंत्र हर किसी को चाहिए लेकिन ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें राजनेता ना हो। इस बात को मित्रों समझने की जरूरत है कि राजनेता लीडर इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र चाहिए तो राजनेता उसका इंटीग्रल पार्ट है, और उस राजनेता को आप चुनते हो। आप किसी डीसीएसपी को चेंज नहीं कर सकते, किसी जज को चेंज नहीं कर सकते। आप एक राज्य राजनेता को चुन सकते हैं और वही इस पूरे देश के सिस्टम को ठीक करेगा जो पिछले 6-7 साल से ठीक कर रहा है। मैं मानता हूं जिस पर जितनी ज्यादा चर्चा हो उतनी ज्यादा अच्छी है। आज पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है CAA पर, नागरिकता संशोधन एक्ट जो सरकार लेके आई है उसके खिलाफ। और मुझे कई बार हैरानी होती है कि जो एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है वो केवल उन लोगों के लिए अधिकार देने के लिए एक्ट है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर 2014 से पहले यहां आए। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कई यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी आकर उस पे आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, और मैं मानता मित्रों ये वो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, उसको उनके बारे में कुछ ज्ञान नहीं होगा, ना इस बारे में कोई ज्ञान है कि